प्यारा प्यारा। पंखुड़ी एक मिनट, अगर तुम्हें ऑफिस में थोड़ी और देर रहना था मुझे बता देती, मैं या कोई और तुम्हें बाद में पिकअप कर लेता। अधि प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट टेल मी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने कितना बड़ा झूठ कहा आदित्य से कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं क्या करूं? आदित्य और लतिका को एक करने के लिए मुझे इस झूठ का सहारा लेना ही होगा। डैड, आपने फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दी? डॉक्टर से पूछा आपने? कुछ बातें डॉक्टर से पहले पेशेंट्स को समझ में आ जाती है बेटा, और तुम तो जानती हो कि मैं एक दिन एक्सरसाइज ना करूं तो बड़ा बीमार बीमार सा फील करता हूं। कब तक बिस्तर पर पड़ा रहूंगा? मेरा तो ये मानना है कि बहता हुआ पानी ही साफ रहता है और चलता फिरता इंसान ही ठीक रहता है। As you say, Dad. डैड, वो कल मेरे ऑफिस में निशा आई थी। निशा कौन? अच्छा अच्छा वो लतिका की माँ। डैड वो कह रही थी कि हमें आदि और लतिका के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तो क्या सोचा तुमने? आई डोंट नो डैड, वैसे जो कुछ भी हुआ उसमें ना उनकी गलती थी और ना ही हमारी। गलती तो किसी तीसरे की ही थी, है ना? डैड, अगर वो सब हुआ नहीं होता तो शायद आज आदि और लतिका की शादी हो भी गई होती। हम सब जानते हैं कि आदि और लतिका एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। तो निशा की बात मान लेने में हर्ज क्या है? हर्ज कैसे नहीं है? तुम्हारी निशा और उनकी फैमिली का दीन ईमान है क्या? अवंतिका, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि जब उन्हें हम पर, हमारे आदि पर और खास तौर पर तुम पर भरोसा करना चाहिए था तो उन्होंने बाहर वालों पर और उनसे फैलाई हुई अफवाहों पर यकीन किया और रिश्ता तोड़ दिया। और उससे पहले तुमसे बात करने या क्रॉस चेक करने की जरूरत तक नहीं समझे और तुम उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हो? व्हाट नॉनसेंस! जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। डैड, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिला। सो डैड, इट्स ओके फॉर मी। और व्हाट अबाउट आदि? तुमने उससे पूछा कि इसके बारे में उसका क्या ख्याल है? मैं नहीं समझता कि वो फिर से इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो। डैड, आदि और लतिका एक दूसरे से लंच पे मिले थे, उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए तो इसके बारे में मैं फिर से सोच रही हूँ। बिलीव मी डैड, मैं आदि के लिए कभी भी ऐसी कोई लड़की नहीं चुनूंगी जो उसे पसंद ना हो या उसके लिए सूटेबल ना हो। एक बार फिर सोच लो अवंतिका, निशा और लतिका की फैमिली एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ चुकी है। हमारा विश्वास तो पंखुरी और उसके फैमिली ने भी तोड़ा है ना डैड, वो भी एक बार नहीं, दो बार। इसके बावजूद वो लड़की आज हमारे ही घर में रह रही है। सो डैड, मैं ये सोच रही थी कि लतिका को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करूं तो। ये तुम मुझे बता रही हो या पूछ रही हो?
मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर तो जो भी जी में आए तुम्हें करो। डैड प्लीज प्लीज डोंट गेट हाइपो, आपका आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज डैड। डैड आप और मैं हम दोनों ही आदि की खुशियां चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जिस लड़की को आदि के लिए चुन रही हूं वो उसके लिए सही है। और कुछ लाओ बेटे? नहीं काका। बहुत कम खाती हो। फिर कहते हैं हम पहाड़ वाले बहुत खाते हैं। आज ब्रेकफास्ट रेडी है, ले आऊं? नहीं नहीं नहीं, मॉम मॉम कहाँ है? रूम में ब्रेकफास्ट कर रही है। नजर रखना उन पे और आए तो सिग्नल देना मुझे। डिंग डांग डिंग। ओके आंटी ऊपर है, शायद की नजर रख रहा है। तुम छोड़ो, तुम बताओ कि वो है का? वो कौन? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहता कहाँ है? I mean, यार टाउन में रहता है कि सबर्ब्स में रहता है? वो कहाँ है? बैंड्रा सैंटा क्रूज जुहू उसे भी आ गए? नहीं वो सैंटा क्रूज में रहता है। सैंटा क्रूज। तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? आई मीन तुम यहाँ रहती हो वो वहाँ, तो मिले कैसे? ऑफिस में। बहुत अच्छे हैं वो। तो मैंने पूछा कि वो कैसा? हाँ और तुम मुंबई आए एक महीना तक नहीं हुआ और इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया कि वो अच्छा है या बुरा? हाँ अब तो फ्रेंड बना लिया, ऊपर से बॉयफ्रेंड भी बना लिया। चलो ठीक है, बन गया तो बन गया, लेकिन इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए ना। आई मीन वो कब कहाँ कैसे क्यों? हाँ यू नो इन बॉयज की मेंटालिटी ना, तुम जानती नहीं, इन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे ट्रस्ट मी यार। अब खैर मुझे ये सब पता करना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों ने कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, और तुम तो मेरी क्लोज फ्रेंड्स में से हो ना, तो मैं करूँगा। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ? ऑफिस के लिए भी निकलना है। इतनी जल्दी? जूस? क्यों ऐसा झूठ बोला मैंने उनसे? अब इस झूठ के चक्कर में पता नहीं कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। शिवम है कौन? सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। हेलो माँ। प्रणाम। मैं मुंबई पहुंच गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। आपने दवाई टाइम पे ली कि नहीं? और हाँ, जो दवाई आप खाने के बाद लेती है ना, वो आपके ब्लू बैग में रखी है, लेफ्ट पॉकेट में। अच्छा बाद में फ़ोन करता हूँ। बड़ा टैक्सी। हे भगवान, कहीं आदि फिर से शिवम के बारे में सवालों की बौछार ना कर दे। मंगुड़ी। अच्छा ये शिवम अपने ही काम से तुम्हारे ऑफिस आता जाता है या तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? अब पोस्ट क्या उसकी? ट्रेनी है तुम्हारी तरह या सीनियर है? वो हेलो हेलो पंखुड़ी जी। जी बोल रही हूँ, आप? जी मैं शिवम बोल रहा हूँ। वो नेहा जी ने आपसे शिवम जी बोलिए। जी मैं मुंबई पहुँच गया हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ।
मिलना चाहते हैं तो फिर आप मेरे ऑफिस आ जाइए। श्री पंखुड़ी जी, कल तो संडे है ना, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों कहीं बाहर मिल लेते, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा, मिलना था तो कहाँ मिलना है? आप जहाँ भी गए। अच्छा, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, बाय। अब पंखुड़ी, यू नो तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड ना पूरी दुनिया में नहीं होगी। अपने खुद के मोबाइल पे खुद के बॉयफ्रेंड का नंबर सेव ही नहीं किया। वो एक्चुअली उनका लैंडलाइन से फोन आया था। ओके बाय। लैंडलाइन से आया था? आया होगा। ये अवंतिका क्यों फिर लतिका और आदि के रिश्ते के पीछे पड़ गई है हरीश? ये अवंतिका भी ना, पापा बचपन में आपने क्या खिलाया था उसे? I mean, जिस चीज पर उसकी सुई अटक जाती है, बस अटक ही जाती है। पर हरीश, हमें सिर्फ अवंतिका को इस बात के लिए दोष नहीं देना चाहिए, ये आदि को भी तो पंखुड़ी की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। पता नहीं उसे ये बात समझ में आते आते कहीं कहीं देर ना हो जाए। आदि मामी जी। हाँ? वो कुल्लू वाला लड़का शिवम, जिसे मामा जी जॉब के लिए कंसिडर कर रहे थे। हाँ हाँ। वो मुंबई आ गया है। आ भी गया? चलो अच्छा है। वो नेहा का देवर है ना, इसलिए कल मैं उससे मिल भी रही हूँ कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो। नया शहर है, जरूरत तो पड़ जाती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनुज से कह दूंगी। हाँ जी। सुनो ना जी, वो जब तुम कल उससे मिलोगी तो उसे ये बिल्कुल मत बताना कि हमने तुमसे फोन पे कहलवाया है उसके लिए, या हमारी कोई बात भी हुई है। छोटे शहर का लड़का है ना, मैं समझ सकती हूँ कितना स्वाभिमानी होगा, बिल्कुल मेरी तरह। उसे ऐसा ना लगे कि हम तुम्हें जानते हैं इसलिए उसे ये जॉब मिल रही है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? जी मामी जी। अच्छा जा, थक गई होगी ना, आराम कर। आ जाएगी ना, आती होगी, बैठो। तो कहाँ है लतिका, आई नहीं अभी तक? डैड आ रही होगी, शायद लेट नाइट कुछ काम कर रही होगी इसलिए थोड़ा। यही होगा, यही होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाना जी। गुड मॉर्निंग आंटी। आज संडे है, कहाँ चल पड़ी तू? Come on, Dad. Come on. इसकी लाइफ है, जहां जाना चाहे वहां जाए, से आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ आई है तो मुझे तो इसे पूछना पड़ेगा ना कि ये कहां जा रही है और कहां से आ रही है। नहीं बेटा। बिल्कुल नाना जी, वो नेहा है ना, उसके ससुराल से कोई मुंबई आया है तो उसी से मिलने जा रही है। अच्छा अच्छा। आदि बेटा कहाँ है, जिम पे चले क्या? हेलो एवरीवन। हे, आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुई। लेट? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आज लतिका हम सब के साथ यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाली है। हमारे साथ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। वो क्या है ना कि सगाई के समय ठीक से तुमसे मिल नहीं पाया था, बहुत अरमान थे अपने नाती की शादी को लेकर और उसकी वाइफ को लेकर,
वैसे आज तुम्हारे हाथों की चाय पीने का दिल कर रहा है, पिलाओगी ना? जी। ऑफ कोर्स डैड, पिलाएगी ना? जरूर पिलाएगी। वैसे तुम्हारा मन नहीं हो तो रहने दो, मैं शांकी को कह देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अंकल, वो नाना जी चाय। Excuse me. तुम कहीं जा रही थी राइट? तो जाओ वरना लेट हो जाओगी। आदि बेटा जी, पंखुड़ी को छोड़ दो जहां उसे जाना है। नहीं नाना जी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अरे अपने आप कहाँ चली जाओगी, बाहर देखा है मौसम, चार दिन से बारिश हो रही है, कहाँ तुम रिक्शे बस की वेट करती रहोगी। आदि बेटा जाओ जाओ, छोड़ दो इसे। डैड आदि कैसे जा सकता है, लतिका यहाँ आई है तो। लतिका आई है तो आदि को कहीं आना जाना अलाउड नहीं है क्या? आदि बेटा तुम जाती हो छोड़ने या फिर मैं जाऊं? नहीं नहीं नानू, मैं जाता हूं ना, मैं जा क्या। ये तो शिवम से मिलने जा रहे हैं ना, आदि क्यों जा रहा है उसके साथ? मैं बोल रहा हूं वो घर से निकल चुकी है। सो कहां जा रही हो? शिवम से मिलने। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें उससे प्यार हो गया? आई मीन हाउ डिड यू रियलाइज दैट यू आर इन लव? से मत देखो यार, मैं बस क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, मुझे पता ही नहीं कि कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है। हाँ मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली, एक अरमा हमारा बताओ ना, कैसी होती है ये प्यार वाली फीलिंग यार? आई मीन तुम्हें अंदर से कुछ और लगता है क्या, जैसे रातों को नींद नहीं आती, यू नो कहते हैं ना दिन में तारे दिखते हैं, ऑल दैट, ऐसा कुछ होता है क्या दिल के अंदर प्यार में जब पढ़ते हो तो? पता नहीं, आदि को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास इन सवालों के जवाब होंगे? अरे बताओ ना यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, इतना तो शेयर कर ही सकती हो। अब शर्माओ मत यार, ये शर्माना वर्माना ना अपने बॉयफ्रेंड ले छोड़ना। यार मुझे सिर्फ एक बात जाननी, मैं समझ कैसे आया कि ये इंसान जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है? कोई क्राइटेरिया नहीं था, कब कैसे क्या देखकर हुआ मुझे नहीं पता, प्यार तो बस हो जाता है, और अगर इतना सोच समझ कर प्यार किया जाए तो उसे मैं प्यार कहूंगी नहीं। अब चले नो, अभी अभी तुमने जो मुझसे बात कही ना मुझे समझ नहीं आई, लेकिन सुनने में सही लगी। आई मीन प्यार प्लानिंग से थोड़ी होता है, बस हो जाता है। लोग प्यार करने के पहले ना सोचते नहीं है, इसीलिए दो लोग ना जो एकदम ऑपोजिट होते हैं ना वो भी कभी कभी प्यार कर बैठते हैं, है ना? दिल बोलेंगे
एक दूजे से एक जुबान। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।